हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये दिन है सैटरडे का और आज बच्चों के पेपर का लास्ट डे था। दोनों बच्चे साथ में ही गए थे। रूही का पेपर हो गया है तो वो आ गई है और साक्षी अभी एक पेपर और देने के बाद आएगी। तो होली 2 दिन बाद ही थी तो बच्चों ने आपस में रंग खेला था, तो वही उसके चेहरे पर दिख भी रहा है। तो शाम को फिर सबने डिसाइड किया कि कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि हम लोग भी बहुत थोड़े दिन के ही लिए आए हैं और 2 दिन बाद होली ही है, फिर उसके बाद हम लोगों को चले ही आना था। तो बच्चों के घर से थोड़ी दूरी पे ये मॉल है VR, तो हम लोग यहाँ पे घूमने चले आए। रात हो चुकी थी लेकिन फिर भी ये हुआ कि थोड़ी देर घूम के आते हैं और थोड़ा सा बच्चों का साथ और मिल भी जाएगा, क्योंकि अभी तक बच्चे पेपर दे रहे थे तो वो भी फ्री हो चुके हैं और हम लोगों के साथ थोड़े दिन ही रहना है इन लोगों को, क्योंकि फिर हम लोग चले आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे चले आए थे मॉल घूमने के लिए। तो ये है मॉल के बाहर का हिस्सा जो बच्चे बता रहे थे और हम लोग इसको देखते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम शांति थी यहाँ पे, भीड़ भाड़ भी बहुत कम था और जबकि वीकेंड था सैटरडे की नाइट में, लेकिन अच्छा लगा आके यहाँ पे। तो बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है ये, काफ़ी लाइटिंग वगैरह थी, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और ये यहाँ से अभी हम अंदर जा रहे हैं। तो बच्चे आपस में बात भी कर रहे हैं, मस्ती चल रही है इन लोगों की और बता भी रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग अक्सर आते हैं, बर्थडे वगैरह में जाती हैं या कभी छुट्टी होती है तो ये लोग घूमने जाती हैं यहाँ पे। यहाँ बच्चे पिक भी ले रहे हैं साथ में, एक ग्रुप फोटो हम लोगों की। और अब हम लोग आ गए हैं अंदर। तो मॉल काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खाली खाली भी लग रहा था, तो अच्छा लग रहा था। हालांकि वीकेंड था, बहुत भीड़ तो हम लोगों को नहीं दिखी लेकिन लोग दिख रहे थे। हम लोगों को आने में थोड़ी रात भी हो गई थी, अंधेरा हो चुका था। तो यहाँ हम लोग अंदर बात करते हुए जा रहे हैं और हस्बैंड भी शॉप वगैरह देख रहे हैं। उनका कहना है कि सब लोग पहले एक तरफ से घूमते चलो। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम लोग वॉशरूम गए और ये देखिए बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ये लो ठीक, तो आगे चल रही है और बता भी रही है हम लोगों को कि आती हैं लोग यहाँ पे तो किस किस शॉप पे जाती हैं, क्या सामान लेती हैं। फिर हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आ गए थे और यहाँ साइड में सब तरफ से घूमते हुए एक साइड से बच्चे बता रहे हैं कि देखो ये सब जगह हम लोग घूमने आते हैं। काफ़ी खाली खाली था, अच्छा भी लग रहा था। हस्बैंड मेरे एक शॉप पे जाने को बोले तो हमने पूछ वही बात हो रही थी हम लोगों की कि आपको क्या लेना है। तो इसके बाद हम लोग आ गए थे एक शॉप पे, हस्बैंड को मेरे टी शर्ट देखना था तो ये बस मैं यहाँ पे देख रही थी और यहाँ से हम लोगों ने एक टी शर्ट लिया, उसका पेमेंट किया और फिर हम आ गए बाहर। इसके बाद हम आ गए थे सेकेंड फ्लोर पे और यहाँ पे मिस्टर DIY करके एक शॉप है और यहाँ से बच्चों को कुछ सामान लेना था।
रूही को स्टेशनरी का कुछ सामान लेना था, तो उसको पहले से ही था कि मम्मी जब कभी आओगी तो हम यहाँ चलेंगे सामान लेने। तो यह देखिए मिस्टर डी आई वाई, काफ़ी बड़ी शॉप थी और यहाँ पे हर तरह की चीज़ मिल जाती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं अगर कहूँ कि यहाँ नहीं मिलती हो, तो मैं तो सबसे पहले गई बर्तन वाले सेक्शन में, मैं यहाँ बर्तन देख रही थी। हालांकि मैंने लिया नहीं है बर्तन कुछ यहाँ से, क्योंकि हस्बैंड पहले ही बोलने लगते हैं कि तुम तो जहाँ जाती हो पहले बर्तन ही तुमको दिखता है, तो अपने पसंद की चीज़ें हर किसी को दिखती हैं जो अपने काम में आती हो। तो यहाँ से बस मैंने ये वाली क्लिप ली है, बेटी ने मेरे दिखाया कि देखो मम्मी ये यहाँ पे है इस तरह से, तो मुझे देख गई तो मैंने ले लिया। और इसके बाद हम बाकी जगहों पे घूमते रहे, बच्चे अपनी अपनी चीज़ें देख रहे हैं कि उनको क्या क्या लेना है, और हस्बैंड अपनी चीज़ें देख रहे हैं। इनको गार्डनिंग के लिए ये चीज़ें यहाँ पे दिख गई, सारे टूल्स एक जगह पे थे और काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में। तो वही उसकी क्वालिटी हस्बैंड देख रहे थे कि क्या है कैसे है, लेकिन यहाँ से अभी कुछ लिया नहीं हम लोगों ने, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह के टूल हम लोगों को सही लगेंगे। बहुत ज़्यादा गार्डनिंग तो हम करते नहीं हैं, छोटे मोटे गमले हम लोगों ने रखे हैं, तो बस यहाँ पे देख रहे थे कि क्या लेना है। और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे थी, जिधर भी जाइए आपको अपने काम की चीज़ें दिख जाती थी। ये और बात है कि किसको क्या लेना है, मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे क्या नहीं मिलता है, ब्यूटी से लेके, किचन से लेके, गाड़ियों से लेके, स्टेशनरी से लेके, मतलब सारी चीज़ें। बहुत अच्छी लगी मुझे ये शॉप, तो बहुत ज़्यादा देर तो हम लोग रुके नहीं यहाँ पे, बस बच्चों को जो सामान लेना था बच्चों ने लिया, छोटा मोटा चीज़। और ये दिखा रही है जूही की, ये देखो स्टैंड टाइप का। रूही अपना सामान ले चुकी थी तो वो काफ़ी खुश थी, उनको जो जो चीज़ चाहिए था, पेंसिल और मार्कर वगैरह, वो सब उसने ले लिया था। तो ये देखिए वो दिखा भी रही है कि उसके सारे सामान उसको मिल गए। इसके बाद हम लोग चले आए थे बिलिंग के लिए, तो सारा सामान हम लोगों ने जो चाहिए था ले लिया था, और यहाँ पे बस हम बिलिंग करवा के यहाँ से भी बाहर आ गए। तो जब तक हम बिलिंग करा रहे थे, हस्बैंड और साक्षी बाहर आके खड़े हो गए थे। इसके बाद हुआ कि अब कुछ खा पी लिया जाए, क्योंकि रात काफ़ी हो रही थी और वापस भी लौटना था। तो बस हम जा रहे थे हल्दीराम्स में अपना कुछ नाश्ता करने के लिए। ये रूही कुछ बोल रही है साक्षी से, और मैं और मेरे हस्बैंड कुछ बातें करते हुए जा रहे हैं। बच्चे खुश रहते हैं तो अच्छा भी लगता है, उनको उनके पसंद की चीज़ें मिल गई। हालांकि यहाँ पे सिर्फ रूही की शॉपिंग हुई है, छोटा मोटा एक सामान साक्षी ली है, जूही ने कुछ नहीं लिया, उसको जो चीज़ चाहिए थी वो उसको नहीं मिली, तो उसने कुछ नहीं लिया। और ये आ गए हम हल्दीराम्स में, अच्छा रेस्टोरेंट लगा मुझे, तो यहाँ पे सबने अपने पसंद की चीज़ें ली हैं। तो हम लोगों ने डोसा लिया था, और रूही और साक्षी को इडली खाना था, लेकिन वो उस समय मिला नहीं, तो उन लोगों ने फिर फ्राइड राइस और मंचूरियन खाया। तो ये यहाँ पे सर्विस खुद होती लेनी पड़ती है, तो जाके ये सामान बच्चे खुद लेके आ रहे थे जब ऑर्डर हमारा आ जा रहा था। तो जूही और रूही सामान खाने पीने की चीज़ें ला रहे थे, मैं हस्बैंड और साक्षी हम लोग बैठे हुए थे। तो ये देखिए जूही ला रही है सबका प्लेट। मैं तो थक जाती हूँ ज़्यादा चलते चलते, तो मैं तो बैठ गई थी, मैं बिल्कुल कहा कि अब मैं उठूँगी नहीं खा पी के, मैं सीधे घर के लिए ही निकलूँगी। तो मैं बैठी हुई हूँ और बच्चे यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं। तो हम लोगों का डोसा आ गया था, मैं हस्बैंड और जूही हम लोगों ने डोसा लिया, और रूही साक्षी ने शेयर किया है एक ही प्लेट में अपना फ्राइड राइस और मंचूरियन, क्योंकि इन लोगों को डोसा नहीं खाना था कि वो काफ़ी हैवी हो जाता। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने अपना अपना नाश्ता लिया है, अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा अलग था लेकिन अच्छा लगा।
इसके बाद अब हम वापस जा रहे हैं। लगभग 10 का टाइम हो रहा था, धीरे धीरे सारी दुकानें वगैरह बंद हो रही थी, तो हम लोग भी अब वापस जा रहे हैं क्योंकि हम लोग आए ही लेट थे। काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को घर से ही निकलने में, तो हम लोग आए ही लेट थे। तो ये सब देखिए बंद हो चुकी हैं सीढ़ियाँ वगैरह, तो हम लोग बस उसको उतरते हुए वापस आए। जो ही बता भी रही है कि क्या चीज़ कहाँ पे है, कैसे है, हम लोग आते हैं तो क्या क्या करते हैं, खाने पीने की चीज़ क्या खाते हैं। हालांकि बच्चों को तो ज़्यादातर फास्ट फूड ही पसंद है, लेकिन आज लोगों ने, मतलब रूही साक्षी ने तो लिया, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ डोसा लिया क्योंकि हम लोगों को फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। और अब आ गए थे हम बाहर। अब ये है बच्चों की कॉलोनी का मेन गेट के पास आइसक्रीम थी, तो हम लोगों ने आइसक्रीम लिया और खाते हुए हम घर को वापस आ गए।